श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हमारे YouTube चैनल दिव्य शिव पुराण कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। ऐसे ही और भी कई उपायों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, पंडित प्रदीप जी मिश्रा की सागर मध्य प्रदेश में ओम शिव महापुराण कथा शुरू हो चुकी है, जिसका आज पहला दिन था। और आज पहले दिन की कथा में श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक उपाय बताया है। इस उपाय को करने से आपकी किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई भी प्रकार का दुख हो, आपकी कोई भी मनोकामना हो, आपकी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियां हो और समझ ना आ रहा हो कि आगे क्या करना है, तो आप इस उपाय को ज़रूर प्रयोग में लाएं। दोस्तों, सबसे पहली बात आपको क्या करना होगा, बेलपत्री का वृक्ष ढूंढना है। बेलपत्री के वृक्ष की जड़ का यह उपाय है। आपको बेलपत्री के वृक्ष की जड़ पर जाना है। कोशिश करिए कि वह बड़ा पेड़ हो, बड़ा बेल का वृक्ष हो, ताकि आपको जड़ ऊपर ही सतह पर ही दिख जाए। तो आपको करना क्या होगा, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना है और वहाँ पर आपको लाल चंदन लेकर बेलपत्री के वृक्ष की जड़ होगी, उस पेड़ की जड़ में जाएं और आपको लाल चंदन घिसना है। उस चंदन को बेलपत्र के वृक्ष पर घिसने के बाद आपको उस चंदन को किसी पात्र या प्लेट में रखकर ले जाना है और आपको उसी चंदन को लेकर शिव जी के मंदिर जाना है। शिव जी के मंदिर में घिसे हुए चंदन को ले जाना है। शिव जी के मंदिर में उसी चंदन से शिव जी का अभिषेक करिए। जो बचा हुआ लाल चंदन होगा, जिसे आपने शिव जी के पूजन के लिए इस्तेमाल किया है, इसी बचे हुए लाल चंदन को आपको वापस लाना है। कहाँ पर, उसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लाना है। और याद रखिए, साथ में एक बेलपत्र भी लाना है। तो आपको करना क्या होगा, आपको उसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे आ जाना है और उसी जड़ के ऊपर आपको क्या करना होगा, आप उसी लाल चंदन को लेकर उसकी जड़ के ऊपर ओम लिखना होगा। ओम ठीक से लिखना है। ओम लिखने के बाद आपको अपनी मनोकामना करते हुए, दुख समस्या का समाधान मांगते हुए, शिव जी को वह बेलपत्र समर्पित करते हुए उस ओम पर अपना बेलपत्र रख देना है, समर्पित कर देना है। और दोस्तों, यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। उपाय की विधि तो आपने जान ली, अब यह भी जान लीजिए कि यह उपाय कब करना है। यह उपाय प्रदोष व्रत के दिन का है। प्रदोष व्रत के दिन का ही शाम के समय का यह उपाय है। जब रात होने वाली हो और शाम हो चुकी हो, उसके बीच के समय का होगा, यानी प्रदोष काल का जो समय है, उसी समय में आपको यह उपाय करना है। तो आप ध्यान रखें कि यह उपाय प्रदोष व्रत के दिन ही करिएगा। अगर आपकी कोई भी समस्या हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। केवल कमल का पुष्प चढ़ने से भगवान नारायण को लक्ष्मी